हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी डूरन कप का प्लेऑफ मैच खेल पाएगा कि नहीं, क्या नॉर्थ ईस्ट एफसी सेमीफाइनल खेल पाएगा, इसी के बारे में भाई हम आज चर्चा करेंगे। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब दी चैनल। हमारे चैनल पर आपको नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी रिलेटेड अपडेट वगैरह मिलते रहता है, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने 11 तारीख को अपने होम ग्राउंड इंदिरा गांधी एथलेटिक स्टेडियम में एफसी गोवा के साथ मैच खेल रहे थे अपने दूसरा मैच, जो कि मतलब ड्रॉ हो गया मैच। तो फर्स्ट गोल आता है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी का, उसके बाद फिर एफसी गोवा का गोल आता है, फिर नॉर्थ ईस्ट एफसी जो है एक गोल दाग देता है और उसके बाद फिर पेनल्टी हो जाता है इरशाद के वजह से। इरशाद ने गाइस बहुत बड़ा मिस्टेक किया, मतलब उनको टैकल नहीं करना चाहिए था यार, मतलब पेनल्टी बॉक्स में बॉल था और भाई पेनल्टी बॉक्स में उन्होंने मतलब टैकल किया, इसी के वजह से पेनल्टी हुआ और नोरा ने जो है गाइस गोल दाग के भाई बराबरी दिला दिया और मैच जो है 2-2 स्कोर लाइन से ही खत्म हो गया। तो नॉर्थ ईस्ट एफसी जो है मैच जीतने ही वाला था, पेनल्टी की वजह से नहीं जीता और वो पेनल्टी भाई नहीं हो सकता था यार। तो इस पेनल्टी के लिए हम इरशाद को तो भाई दोषी नहीं देख सकते, क्योंकि भाई उन्होंने भी अच्छा परफॉर्मेंस किया है, वो मतलब जानबूझ के पेनल्टी धोने क्या है, मतलब उन्होंने टैकल किया था और मतलब पेनल्टी हो गया। तो ब्राज़ीलियन स्ट्राइकर इप्सन मेलो और स्पेनिश स्ट्राइकर नेस्टर एल्बियास का भी बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस था। नेस्टर एल्बियास का उतना खास था नहीं, क्योंकि भाई उनको बाद में मतलब सब्स्टिट्यूट करके उनको क्योंकि उनको बाद में सब्स्टिट्यूट करके लाया गया था और उनको मतलब ज़्यादातर बॉल भी नहीं मिला, इसलिए वो अपना अच्छा परफॉर्मेंस दिखा नहीं पाए। लेकिन भाई नेस्टर एल्बियास अच्छा प्लेयर है, आप उनको मतलब हल्के में मत लीजिए। और इप्सन मेलो को भाई कुछ बॉल वगैरह मिले थे लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है, उन्होंने बहुत अच्छा स्किल वगैरह रन वगैरह किया है। इप्सन मेलो का गाइस बहुत रन है हमने देखा कल के मैच में। तो एफसी गोवा के साथ जो मैच था उससे ये तो पता चलता है कि आईएसएल में कुछ ना कुछ जरूर करने वाला है नॉर्थ ईस्ट एफसी, मतलब लास्ट में तो नहीं रहेगा नॉर्थ ईस्ट एफसी इस बार, ये तो भाई कंफर्म है। और इप्सन मेलो भी बहुत ही डेंजर प्लेयर है और माइकल जबको के बारे में तो पता ही है और नेस्टर एल्बियास के बारे में भी तो पता है। तो अभी जो न्यू साइनिंग है मोहम्मद अली, उनका परफॉर्मेंस के बारे में उतना अच्छे से पता नहीं है, वो भी मतलब आ जाएंगे भाई, आके भाई ट्रेनिंग शुरू कर देंगे और डूरन कप में शायद नहीं खेलेंगे, डायरेक्ट आईएसएल में खेलेंगे। तो अब बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट एफसी प्लेऑफ सेमीफाइनल और फाइनल खेल पाएगी नहीं। तो दोस्तों, डूरन कप में टोटल 6 ग्रुप है, उसमें से जो फर्स्ट में रहेगा पॉइंट्स टेबल में, जो फर्स्ट में रहेगा वो जो है प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई हो जाएगा। तो ग्रुप डी का पॉइंट्स टेबल आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो, नॉर्थ ईस्ट जो है सेकंड नंबर पोजीशन में है, फर्स्ट नंबर पोजीशन में एफसी गोवा है, क्योंकि गाइस एफसी गोवा का 2 गोल ज्यादा है, मतलब शिलोंग लजंग के साथ जो मैच था एफसी गोवा का उसमें उन्होंने 6 गोल किया था और नॉर्थ ईस्ट एफसी ने 4 गोल किया है। और जो मतलब एफसी गोवा के साथ नॉर्थ ईस्ट का मैच था, एक दूसरे का मैच था, उसमें भाई 2-2 गोल हुआ है, तो एफसी गोवा का जो है 2 गोल ज्यादा है, इसलिए वो पॉइंट्स टेबल में फर्स्ट में है। अगर नॉर्थ ईस्ट को मैच जीतना है तो जो डाउनटाउन हीरोज के साथ मैच है 21 तारीख को, उसमें ज्यादा से ज्यादा गोल करना पड़ेगा, एफसी गोवा से कम 1 गोल ज्यादा होना पड़ेगा, तो ही नॉर्थ ईस्ट एफसी जो है पॉइंट्स टेबल के फर्स्ट में जा पाएगा और एफसी गोवा जो है सेकंड नंबर पोजीशन में आएगा और नॉर्थ ईस्ट एफसी जो है सेमीफाइनल के लिए, सेमीफाइनल नहीं मतलब प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई हो जाएगा। तो डाउनटाउन हीरोज तो भाई उतना खास टीम नहीं है, नॉर्थ ईस्ट तो ये मैच पक्का जीतने वाला है, लेकिन भाई गोल से ज़्यादा करना पड़ेगा भाई, कम से कम भाई 5-6 गोल्स तो भाई करना ही पड़ेगा नॉर्थ ईस्ट को। और हम दुआ करेंगे कि भाई एफसी गोवा का कम गोल्स हो और नॉर्थ ईस्ट का ज़्यादा हो, ताकि नॉर्थ ईस्ट जो है पॉइंट्स टेबल के फर्स्ट नंबर पोजिशन में जा पाए और प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई हो जाए। तो अभी नॉर्थ ईस्ट का परफॉर्मेंस तो भाई बहुत ही लाजवाब है, तो अभी नॉर्थ ईस्ट एफसी तो भाई बहुत ही अच्छे पर्चे पर, तो अभी नॉर्थ ईस्ट एफसी का परफॉर्मेंस तो गाइस बहुत ही लाजवाब है। डिफेंडिंग के बारे में बात किया जाए तो भाई डिफेंडिंग तो भाई पूरा मजबूत हो चुका है नॉर्थ ईस्ट एफसी का, मतलब पिछले सीजन से भाई बहुत अच्छा डिफेंडिंग कर रहा है इस बार। तो नोम्बा सिंह को ही देख लो भाई, तो नोम्बा सिंह भाई अभी मेरा फेवरेट प्लेयर बन गया, अभी देखो भाई जॉन पेड्रो बेनेली के अंदर टोनडोम्बा सिंह जो है गाइस कितने अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है यार, पिछले मैच में भी मतलब दोनों ही मैच में कितना खतरनाक डिफेंडिंग किया टोनडोम्बा सिंह ने। उसके बाद फिर हमारा कैप्टन गौरव बोरा और माइकल जबा को तो भाई नहीं थे एफसी गोवा के साथ जो मैच था, वो सब्स्टिट्यूट बेंच में भी नहीं थे और भाई दिनेश सिंह ने भी अच्छा परफॉर्मेंस किया है। मनवीर सिंह को स्ट्राइकर के पोजीशन में खिलाया है, लेकिन भाई मनवीर सिंह ने भी बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया है, वो गाइस धीरज सिंह के ऊपर बहुत प्रेशर कर रहे क्रिएट कर रहे थे, इसलिए भाई धीरज सिंह से गलती हो गया और मनवीर सिंह के पैर पर लग के मतलब फर्स्ट गोल मिल गया था नॉर्थ ईस्ट एफसी को। उसके बाद फिर सेकेंड गोल भी भाई मनवीर सिंह के वजह से ही मिला, उन्होंने भाई पास निकाला था पार्थिव गोगोई के लिए और संदेश जिंगन के पैर पे लग के मतलब वो गोल हो गया। तो मनवीर सिंह को भी हम बुरा प्लेयर नहीं कह सकते, मनवीर सिंह भी गाइस बहुत ही खतरनाक प्लेयर है। तो अभी एफसी
तो अभी नॉर्थ ईस्ट का जो है गाइस 4 पॉइंट है और एफ सी गोवा का भी 4 पॉइंट है। और भाई नॉर्थ ईस्ट एंड एफ सी जो है ना गाइस बहुत जोरों शोरों से भाई ट्रेनिंग करा है, मतलब इंस्टाग्राम में वीडियो वगैरह अपलोड करता है ना, तो मैंने देखा भाई कितने ज़ोरदार बारिश में भी भाई नॉर्थ ईस्ट एफ सी बहुत अच्छे से ट्रेनिंग कर रहा है यार। मतलब दिल खुश हो गया भाई नॉर्थ ईस्ट का ट्रेनिंग वीडियो देख के। तो अभी डूरोन कप के बाद फिर आई एस एल के लिए भी ट्रेनिंग शुरू कर देगा और आई एस एल के लिए भी तैयार होना है, और कुछ प्लेयर को भी साइन करेगा, एक फॉरेनर बाकी है उसको भी साइन करेगा। तो मेरे हिसाब से एक आई एस एल एक्सपीरियंस डिफेंडर को भी नॉर्थ ईस्ट एफ सी को साइन करना चाहिए ताकि और स्ट्रॉन्ग डिफेंडिंग हो नॉर्थ ईस्ट एफ सी का, और बाकी देखते भाई कैसे कैसे प्लेयर को साइन करता है। तो अब बात करते भाई डर्बी के बारे में, कोलकाता डर्बी और केरला डर्बी के बारे में भी थोड़ा बातचीत कर लेते भाई। तो इन दोनों मैचेस में कमाल हो गया यार, मतलब किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि भाई इस मैच में ऐसा होगा भाई, मतलब किसी ने भी नहीं सोचा था भाई। तो आइए भाई इसके बारे में भी थोड़ा बातचीत कर लेते हैं। तो आइए फर्स्ट बात करते हैं कोलकाता डर्बी के बारे में, मोहन बगान सुपर जायंट्स वर्सेस ईस्ट बंगाल के बारे में। तो ये जो कोलकाता डर्बी का मैच था ना भाई, ये कमाल का मैच है यार, मतलब हिस्टोरी बन गई यार। मतलब भाई देखो भाई ईस्ट बंगाल ने भाई क्या लाजवाब खेला। मोहन बगान भाई, मोहन बगान में कौन कौन है आपको तो पता ही है, इंडियन प्लेयर को देख लो, अनिरुद्ध थापा है, शुभाशीष बोस है, साहल अब्दुल समद है, और फॉरेनर को भी देख लो भाई कितने खतरनाक खतरनाक फॉरेनर है, हुगो भुमा है, जोसेल कम्बाउन है, फिर पैटाटोस है, भाई कितने खतरनाक खतरनाक प्लेयर है। इंडियन भी अच्छे अच्छे प्लेयर है जैसे मनवीर सिंह, लिस्टन क्लास हो, मतलब भाई देखो कितने अच्छे अच्छे प्लेयर है मोहन बगान में। लेकिन भाई हमारा ईस्ट बंगाल ने तो भाई कमाल कर दिया यार, तो ईस्ट बंगाल ने कमाल ही कर दिया यार, मतलब 1-0 से मैच जीत लिया भाई, मोहन बगान को हरा दिया यार ईस्ट बंगाल ने। तो भाई बहुत ही खतरनाक परफॉर्मेंस था ईस्ट बंगाल का, और भाई ईस्ट बंगाल को ना भाई इस बार कुछ अलग ही रूप में देखने को मिलेगा भाई, मतलब इस बार आई एस एल में भाई ईस्ट बंगाल को कुछ अलग ही रूप में देखने के लिए मिलेगा भाई। देखो कितने अच्छे हेड कोच को साइन कर लिया भाई, सेवियरो को साइन कर लिया, हरमनजोत खबरा को साइन कर लिया, परशुकंज गिल को साइन कर लिया भाई, कितने अच्छे अच्छे प्लेयर को साइन किया, कितने अच्छे फॉरेनर प्लेयर को साइन किया, और भाई पहले से ही अच्छे अच्छे प्लेयर कुछ क्लिटन सिल्वा, फिर भाई पीपी सुहैर हो गया भाई, कितने अच्छे अच्छे प्लेयर है अभी ईस्ट बंगाल में। तो ईस्ट बंगाल भी अभी किसी से कम नहीं भाई, ईस्ट बंगाल भी भाई मतलब आईसीएल में कुछ करेगा ऐसा लग रहा है भाई। तो अब बात करते हैं केरला डर्बी यानी भाई केरला ब्लास्टर वर्सेस कोकुलम केरला के मैच के बारे में। तो अभी जो भाई कोलकाता डर्बी था ना भाई, इसमें ईस्ट बंगाल ने मोहन बगान को हराया वो भी 1-0 से, और ईस्ट बंगाल भाई आईएसएल की टीम है और ईस्ट बंगाल में भी बहुत ही अच्छे अच्छे प्लेयर है, इसलिए भाई मोहन बगान को हराया तो मतलब ये मतलब मान सकते हैं, मतलब विश्वास होता है। लेकिन भाई गोकुलम केरला ने भाई केरला ब्लास्टर को भी हरा दिया वो भी 4 गोल से भाई। हालांकि मतलब केरला ब्लास्टर ने 3 गोल किया था, लेकिन भाई 4 गोल खा भी चुका है भाई केरला ब्लास्टर। अभी देखो जो गोकुलम केरला है, एक तो वो आई लीग की टीम है, इनका वैल्यू भी बहुत कम है, और प्लेयर भी भाई उतना अच्छे अच्छे नहीं है, मतलब अच्छे अच्छे प्लेयर है लेकिन भाई महंगे महंगे प्लेयर नहीं है। अभी केरला ब्लास्टर में देखो भाई कितना महंगे महंगे प्लेयर है, केरला ब्लास्टर का जो वैल्यू है वो भी देखो भाई कितना ज़्यादा है गोकुलम केरला से। लेकिन फिर भी भाई गोकुलम केरला ने कमाल कर दिया यार, केरला ब्लास्टर का जो फैन है भाई उनको मतलब उनको शॉक दे दिया भाई, कह सकते हो भाई केरला ब्लास्टर के फैंस तो भाई अभी काफ़ी दुखी होंगे। तो यही था कोलकाता डर्बी और केरला डर्बी का जो मैच है, तो यही था कोलकाता डर्बी और केरला डर्बी का मैच। तो आज के लिए बस इतना ही, आज का यही अपडेट था। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे चैनल पे आपको नॉर्थ ईस्ट इवेंट रिलेटेड अपडेट वगैरह मिलते रहता है, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में, तो तब तक के लिए सबको अलविदा, प्लीज़ सब्सक्राइब दी चैनल। जय हिंद, जय भारत।